वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप अपना आधार कार्ड में एड्रेस कैसे चेंज करेंगे अगर आप शादीशुदा हो के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए हो या फिर किसी काम से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ हो तो किस तरह से आप अपना आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करेंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको फुल प्रोसेस दिखाने वाली हूँ, तो इस प्रोसेस को मैं आज फ़ोन से करके बताने वाली हूँ, तो बिना स्किप के इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में कोई भी क्रोम ब्राउज़र या फिर गूगल ओपन कर लेना है, वहाँ पर सर्च कर लेना है UIDAI.gov.in। सर्च करने के बाद यहाँ पर UIDAI का फर्स्ट वाला ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश पर क्लिक करने के बाद वेलकम पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे करने का परेशानी हो रहा है तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर आ सकते हो। उसके बाद आप ये जो ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पे कहीं पे भी आप बाहर यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएंगे आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वेलकम टू माई आधार। तो उसके बाद हमें यहाँ पर एक लॉगिन का ऑप्शन है, तो ये लॉगिन वाला ऑप्शन पर हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते अब यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना है फर्स्ट में, उसके बाद सेकंड में कैप्चा हमें एंटर कर देना है। उसके बाद हमें लॉग इन विथ OTP पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP को यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद लॉग इन पर क्लिक कर देना है। ये OTP आपका तभी आएगा जब आपके आधार कार्ड में फ़ोन नंबर लिंक होगा, तो फ़ोन नंबर लिंक होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप ये प्रोसेस को कर सकते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर आधार कार्ड लॉग इन हो चुका है, तो यहाँ पर कॉर्नर में आप एक क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका फोटो पर आपका यहाँ पर आधार कार्ड यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद बोथ साइड यहाँ पर फ्लिप करके देखेंगे तो बोथ साइड आधार कार्ड आपका यहाँ पर शो होगा। उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे बहुत सारा ऑप्शन है, तो अभी हमें आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करना है। उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं यर आधार नीड टू डॉक्यूमेंट अपडेट, तो जिसका ऐसा आ रहा है रेड कलर का साइन, उसको अपना डॉक्यूमेंट अपडेट करना बहुत ही जरूरी है, तभी आप ये अपना आधार कार्ड को एक्टिव रख सकते हो। ठीक है, तो ये एड्रेस करने के बाद अपना डॉक्यूमेंट अपडेट भी कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए मैंने अलग से वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो वहाँ से आप देखकर इस डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हो। तो सबसे पहले अभी हमें यहाँ एड्रेस चेंज करना है, उसके लिए हमें एड्रेस अपडेट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा, तो यहाँ पर एक है अपडेट आधार ऑनलाइन, एक है हेड ऑफ द फैमिली बेस। तो हमें यहाँ पे अगर आपके पास अपना खुद का डॉक्यूमेंट्स है तो यहाँ पे अपडेट आधार ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर नेक्स्ट प्रोसेस हमारा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं चार ऑप्शन है, तो चार में से तीन ऑप्शन बंद हो चुका है, तो अभी एड्रेस अपडेट सीट ओपन है, तो इस पर ही हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हमें प्रोसीड टू अपडेट आधार पर फिर से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका करेंट अभी एड्रेस है आधार कार्ड में वो यहाँ विजिबल होगा। उसके बाद हमें यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो डिटेल्स टू बी अपडेटेड, तो अभी हमें यहाँ पर अपना केयर ऑफ में किसका नाम रखना चाहते हैं, जैसे कि आप वाइफ ऑफ या फिर डॉटर ऑफ, सन ऑफ, कुछ भी आप यहाँ पर लगा सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ या फिर फादर ऑफ का नाम यहाँ पर दे देना है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज में ऑटोमेटिक यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा आपका सेकेंड लैंग्वेज। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक है तो यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर टाइप करके यहाँ पर उसके बाद हाउस बिल्डिंग में अपना अगर है तो दे सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर स्ट्रीट रोड लाइन यहाँ पर दे देना है। उसके बाद एरिया लोकेलिटी, उसके बाद यहाँ पर लैंडमार्क अपना दे देना है। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड एंटर करते आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर स्टेट सब यहाँ पर ऑटोमेटिक कैच हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फिल करना है जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको एरिया लोकेलिटी वगैरह फिल करना रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पोस्ट भी अपना सेलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से जो आपका डॉक्यूमेंट्स में है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में हमें यहाँ पर क्लिक करना है। नीचे यहाँ पर क्लिक करते अब यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा, तो इसमें से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि हमारा अभी मैं यहाँ पर गैस कनेक्शन बिल से अपना एड्रेस चेंज करने वाली हूँ। ठीक है, तो आप कोई भी यहाँ पर जितना भी यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, इनमें से कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आप इनमें से कोई एक को सेलेक्ट करके अपना अपलोड कर लेना है। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट्स को, तो मैं यहाँ पर गैस कनेक्शन बिल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री एडवाइजरी में हमें यहाँ पर सब रीड कर लेना है या फिर आप छोड़ देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर ओके कर देना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो गैस कनेक्शन बिल है वो नॉट ओल्डर देन 3 मंथ, तो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए वो। उसके बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट में हमें यहाँ पर अपलोड करना है अपना डॉक्यूमेंट्स, तो व्यू डिटेल्स पर हमें यहाँ पर क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है, वो भी PDF फॉर्मेट में होना चाहिए 2 MB के अंदर। तो हमारा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अभी सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर सेलेक्ट होते यहाँ पर 100% यहाँ पर ग्रीन आपको यहाँ पर दिखा देगा अगर आपका PDF साइज एकदम ओके है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप भी आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको यहाँ पर चेक कर लेना है अपना डिटेल्स वगैरह जो आपने फिल किया है एड्रेस में, वो
वो यहाँ पर सब डिटेल्स चेक कर लेना है। ठीक है, अगर आपका कुछ मिस्टेक है तो यहाँ पर एडिट अपडेट एड्रेस पर क्लिक करके अपना करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दो यहाँ पर ऑप्शन है तो इसको दोनों पर टिक कर देना है। उसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते अब बारी है हमारा पेमेंट का, तो यहाँ पर हमारा 50 रुपये कटिंग होगा, तो यहाँ पर फिर से आई हेयर बाय पर टिक करके यहाँ पर पेमेंट का दो ऑप्शन है तो किसी में भी आप टिक करके यहाँ पर अपना पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपका बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा, तो आप UPI के थ्रू भी कर सकते हो, कार्ड से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग से भी, वॉलेट से भी पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे सभी का ऑप्शन है, तो मैं अभी यहाँ पर पेटीएम पर क्लिक करके अपना पेमेंट कंफर्म करने वाली हूँ। तो ठीक है, तो मुझे पेटीएम रिडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद हमें यहाँ पर पेटीएम से 50 रुपीज़ यहाँ पर पेड कर देना है, तो यहाँ पर पेड करते यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली करके इस तरह से आपको साइन दिखेगा। उसके बाद हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट भी हो चुका है, तो हमारा यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट अपडाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारा एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो चुका है, तो इसको ओपन करने के बाद हमारा एक यहाँ पर SRN नंबर दिखेगा, उस SRN नंबर से हम अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक SRN नंबर है, इसको आपको कॉपी कर लेना है। अब इसका स्टेटस कैसे चेक करना है, तो सबसे पहले आपको फिर से बैक होना है, फिर से फर्स्ट वाला ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर नीचे आना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक एनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस, तो इस पर क्लिक कर देना है। तो हमारे पास अभी SRN नंबर है तो इस पर क्लिक कर देना है, तो SRN नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देना है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते आपका स्टेटस इस तरीके से शो होगा, तो हमारा यहाँ पर वेरिफिकेशन स्टेज पे रहे, अगर कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर कंप्लीट का साइन यहाँ पर इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद आपको कंप्लीट हो जाने के बाद आपको आधार कार्ड फिर से किससे डाउनलोड करना है, तो फिर से आपको वहीं पर बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड आधार का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका आधार कार्ड जो अपडेट हो चुका है उसको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आधार नंबर देके उसको कैप्चा एंटर करके सेंड OTP पर क्लिक करके OTP को फिल करने के बाद आपका आधार कार्ड इजीली डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही प्रोसेस था गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और चैनल का नाम है टेक्निकल क्वीन पूजा, तो हमेशा याद रखना टेक्निकल क्वीन पूजा को। तो मिलते इसी तरह के हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।